हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये करवा चौथ मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। फेस क्लीन करने के लिए मैंने कॉटन में थोड़ा सा रोज वाटर लिया है और उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। फेस क्लीन करने के बाद हमें फेस की टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करनी है। टोनिंग के लिए मैं मोस्टली गुड वाइब्स का टोनर यूज करती हूँ और उसके बाद मैंने गुड वाइब्स की सैफ्रन डे क्रीम का यूज किया है। ये क्रीम हमारे फेस को अच्छे से हाइड्रेट करती है और साथ ही ये पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री है और इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस ऑयल फ्री प्राइमर। ये हमारे स्किन के पोर्स और फाइन लाइंस को फिल करता है और हमें सिल्की मैट फिनिश लुक देता है। और अगर आप फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर यूज करती हैं तो आपका मेकअप काफी समय तक टिका रहता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्राइमर लेकर इसे अपने पूरे फेस में अप्लाई करूंगी। प्राइमर यूज करने के कम से कम एक मिनट के बाद या फाउंडेशन अप्लाई करें। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ एलेगर प्रो एचडी कंसीलर। इसका टेक्सचर लाइटवेट और क्रीमी है। यहाँ पर मैं ब्लू एंड ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ। आप इसे अपने डार्क अंडर आई एरिया या फिर जहाँ पर भी आपके स्किन में रेडनेस या दाग धब्बे हैं वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लू करेक्टर का यूज अपनी स्किन की रेडनेस और पिंपल्स की जगह पर कर रही हूँ और ऑरेंज करेक्टर का यूज आप अपने डार्क अंडर आई एरिया को कवर करने के लिए कर सकते हैं। ये आपके इन सभी एरिया को इजीली कवर कर देगा और आपको एकदम इवन स्किन टोन और नेचुरल कवरेज मिलेगी। इसके बाद मैंने यूज किया है ब्लू हेवन का फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर। ये कंसीलर भी आपको 6 शेड्स में अवेलेबल है। आप जब भी कोई कंसीलर लेते हैं तो आप हमेशा अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर ही चूज करें जिससे कि वो आपके फाउंडेशन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का मैट एंड पोरलेस लिक्विड फाउंडेशन। मैंने यहाँ पर आइवरी शेड लिक्विड फाउंडेशन यूज किया है। आप अपने शेड के अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हैं। दिस फाउंडेशन इज लाइट फिट एंड बेस्ट सूटेड फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन। ये ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन है और ये हमारे पोर्स को ब्लर करके नेचुरल लुक देता है और ये SPF 22 के साथ आता है जो हमारे स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट। ये एक ऑयल फ्री मैट पोरलेस कॉम्पैक्ट है जो हमें मैट फिनिश के साथ एक फ्लॉलेस नेचुरल लुक देता है। ये कम से कम 12 आवर्स तक आपके मेकअप को सेट रखता है और साथ ही ये SPF 28 के साथ आता है जो सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इस कॉम्पैक्ट में आपको एप्लीकेटर भी अवेलेबल है। आप इसे अप्लाई करने के लिए ब्रश या पफ कुछ भी यूज कर सकती हैं। ये हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है और अब हम मूव करेंगे आई मेकअप की तरफ। नाउ मैं मिस रोज का न्यूड प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं और आपने कभी भी आई शेडो पैलेट यूज नहीं किया है तो आप इस पैलेट को यूज कर सकते हैं। आई मेकअप करने के लिए मैंने सबसे पहले ब्रश में डार्क मैट शेड लिया है जिसे मैं अपने आई लिड के ऊपर प्लेस करूंगी और उसके बाद मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमें ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है और उसके बाद एक लाइट शेड लेकर इसे इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट मैंने आई लिड के ऊपर मेटेलिक शेड अप्लाई किया है। इस तरह से आप भी परफेक्ट आई शेडो लगा सकते हैं। इसके बाद मैं काजल अप्लाई करूंगी और यहाँ पर मैंने लैक्मे आइकॉनिक काजल यूज किया है जो कि वाटरप्रूफ एंड स्मज प्रूफ है। मैं इसे सबसे पहले अपने लोअर वाटर लाइन में अप्लाई करूंगी और उसके बाद अपर वाटर लाइन में अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का
लिक्विड पेन आईलाइनर, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इससे इजिली लाइनर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी पिगमेंटेशन काफी डार्क है और एक क्लासिक ब्लैक लाइन के साथ साथ वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है। इससे आप इजिली विंग्स ड्रॉ कर सकते हैं और ये एकदम ट्रांसफर रेसिस्टेंट और स्मज रेसिस्टेंट है। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे आईब्रो पेंसिल, ये ब्लैक शेड है, और आईब्रोज को फिल करने के बाद मैं स्पूल की हेल्प से इन्हें परफेक्ट शेप दे दूंगी। नेक्स्ट हम फेस की कॉन्टोरिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कोई भी कॉन्टोरिंग स्टिक यूज नहीं की है। कॉन्टोरिंग करने के लिए मैंने हार्ले रोडा का आई शेडो पैलेट यूज किया है और इसमें से मैं डार्क शेड चूज कर रही हूँ। मैं सबसे पहले अपने चिक बोन्स एरिया, नेक्स्ट जो लाइन, और फिर उसके बाद फोरहेड पर हेयर लाइंस के पास और लास्ट में नोज साइड में कॉन्टोरिंग करूंगी। नेक्स्ट मैं ब्लश अप्लाई करूंगी और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का सिमर मैट ब्लश। इसमें जो मैंने शेड लिया है वो है 501 डार्क पिंक, और उसके बाद यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। ये काफी एफर्टलेस है और आपके फेस में स्मूथली ग्लाइड होता है और एक स्मूथ फिनिश लुक देता है। नाउ मैं यूज कर रही हूँ शुगर स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें मेरे पास जो शेड है वो है शेड 10 ड्रॉप डेड रेड, और लास्ट में मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल किया है। उसके बाद मैं मस्कारा यूज करूंगी। यहाँ पर मैं लैक्मे आइकॉनिक का कर्लिंग मस्कारा यूज कर रही हूँ और अब मैं इसे अपर एंड लोअर लैश में अप्लाई करूंगी। ये आपकी लैशेस को अच्छे से कर्ल करता है और एक अच्छी वॉल्यूम भी देता है। और अब ये मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट है। आई होप गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियोस, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।